आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अमनीजन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरुद्ध बंदियों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। जेल में बंद अन्य बंदियों के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अमनीजन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरुद्ध 13 बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। कार्यवाहक जेल अधीक्षक जोशी का कहना है कि विभिन्न मामलों में अस्थाई जेल में निरुद्ध 13 बंदियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बंदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। शेष बंदियों के भी सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जाएंगे, जिससे बीमारी के बारे में पता चल सके। अमनीजन इंटर कॉलेज जो अस्थाई जेल बनाई गई है, इसमें इस समय जो है 37 बंदी रह रहे हैं। इनमें से 13 का हमने जो है सैंपल कराया था और 13 के 13 जो है नेगेटिव आए थे। इनको आज जो है रेगुलर जेल में, जिला जेल में हम भिजवा देंगे। किस मामले में है जो इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है? ये सभी जो है क्रिमिनल चोरी में हैं और 302 307 हीनियस क्राइम्स जो हैं उनमें हैं सभी। और भी जो हैं बंदी उनके भी सैंपल लिए जाएंगे? उनके सैंपल के लिए अब लेटर लिखा जा रहा है और उनके भी सैंपल ले जाएंगे। अमनीजन में बनाई गई अस्थाई जेल के कार्यवाहक डिप्टी जेलर कृपाल सिंह का कहना है कि जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। एक प्लेटून पीएससी के साथ 50 होमगार्ड और जिला कारागार का स्टाफ तैनात किया गया है। लॉकडाउन के चलते जेल में निरुद्ध किसी भी बंदी से मुलाकात नहीं कराई जा रही है। बंदियों के परिवार वाले मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बैरंग लौटा दिए जा रहे हैं। अस्थाई जेल को बिल्कुल जेल की तरह बनाया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पीएससी की एक बटालियन है, हमारे पास 50 होमगार्ड हैं जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। कारागार से भी कुछ मतलब कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है प्रभारी जेलर के रूप में, डिप्टी जेलर कृपाल सिंह में, और मेरे चीफ हेड बॉर्डर भी हैं धर्मेंद्र भदौरिया, बाकी गेट कीपर वगैरह सब लोग, हम लोग जिला कारागार के हैं। सारी सुविधाएँ वही हैं अस्थाई जेल में जो कि जिला कारागार आगरा में उपलब्ध है। यहाँ जैसे कि यहाँ दीवार है थोड़ा नीची है और यहाँ अपराधी हैं जी, अस्थाई जेल है तो अब जेल की तरह तो ये हो नहीं सकती है, तो हर चीज़ की अपनी अपनी वो है। ये स्कूल है, इंटर कॉलेज है। अमनीजन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में 37 बंदी निरुद्ध हैं। बंदियों को जिला कारागार की तरह ही रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जेल के अंदर और बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जेल में निरुद्ध हर बंदी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जिला कारागार में शिफ्ट किए जाएंगे। कार्यवाहक जेल अधीक्षक विनोद जोशी समय समय पर जेल का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कार्यवाहक डिप्टी जेलर कृपाल सिंह भी अस्थाई जेल में रहकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उमेश शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।